नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस यूट्यूब के वीडियो में। आज कुछ और स्पेसिफिक रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो सरदर्द से रिलेटेड है। सरदर्द के लिए तो बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है, मैंने कमेंट्स में कितनी बार कहा है कि कॉजेटिव फैक्टर क्या है देख लीजिए। जब तक आप कॉजेटिव फैक्टर नहीं जानेंगे तब तक सरदर्द का इलाज आप कितने भी चाहे मेडिसिन देंगे अच्छा नहीं होगा। अलग अलग कॉजेटिव फैक्टर, अलग अलग ट्रिक्स एंड हिंट्स के लिए अलग अलग दवाइयाँ होती है। तो ओवरऑल जो सरदर्द के लिए लोग बोलते हैं तुम बेलाडोना खा लो, ब्रायोनिया खा लो, ये ऐसा हर किसी में नहीं होता, हर जो सरदर्द में ये आराम नहीं करता। बहुत सारे लोग अभी मेरे ग्लोनोइन देखकर कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने ग्लोनोइन बोला था वो ग्लोनोइन तो काम नहीं कर रहा है। तो मैंने कितनी बार कहा है कॉमेंट्स में भी और बहुत सारे बार कहा है कि ये सरदर्द जो होता है रिलेटेड टू बहुत सारे स्पेसिफिक ट्रिक्स एंड हिंट्स होते हैं। जो कॉजेटिव फैक्टर देखना चाहिए किस कारण से हो रहा है और ऐसे कुछ खास पॉइंट्स होते हैं जो मोडालिटी से भी रिलेटेड है, कुछ कॉन्कॉमिटेंट से भी रिलेटेड है। मैं आपको स्पेसिफिक कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगा स्पेसिफिक जो सरदर्द के लिए, वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो दोनों के लिए बढ़िया काम करेगा। और कोई भी सरदर्द का केस हो आपको कभी हरास नहीं होगा, कभी आप फेल्यूर नहीं होंगे। ये जितने भी मेडिसिन मैं बोलने वाला हूँ ध्यान से सुनिएगा और डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा नोट करेंगे तो भी बेहतर रहेगा। तो मैं वीडियो के नीचे भी आपको आपकी सहूलियत के लिए नाम भी दे दूंगा तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो है कैनॉट बियर वेट, मतलब इतना भारी रहता है वो सर, उसका पूरा झुका रहता है, इतना भारी रहता है सर, पूरा सीवियर दर्द होता है, झुक जाता है सर, वो अपना मतलब वजन अपने सर का बर्दाश्त नहीं कर पाता, पूरा झुक जाता है एक तरफ। और इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो ग्लोनोइन में होते हैं, खास करके जब गर्मियों के मौसम में जो बहुत ही मतलब सनस्ट्रोक के कारण जो सरदर्द होते हैं बहुत ही उसमें कामयाब साबित होती है। बीपी भी थोड़ा बढ़ा हुआ हो तो उस कंडीशन में भी ग्लोनोइन बहुत ही बढ़िया काम करती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने सुना होगा कि सरदर्द का कोई पेशेंट आता बोलता है तुम्हें कैसे आराम लगता है, हम टाइट कपड़ा बांधे कोई सर में तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है। तो उस तरह के जो सिम्टम्स है पर्टिकुलर एम्बुलरेशन उसे बोलते हैं आराम लगना, एम्बुलरेशन। एग्रावेशन का ठीक अपोजिट होता है एम्बुलरेशन। तो उसका स्पेसिफिक तीन मेडिसिन है मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है पल्सेटिला अर्जेंडम नाइट्रिकम एपिस। पल्सेटिला अर्जेंडम नाइट्रिकम एपिस ये तीनों दवाइयों में सरदर्द जो होता है उसमें टाइट करके जो कोई भी कपड़ा बांधे उसको आराम मिलता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एम्बुलेशन फ्रॉम प्रोफ्यूज यूरिन। सरदर्द हो रहा है और जब वो यूरिन करने जाए पेशाब करने के बाद उसको सरदर्द में आराम मिलता है। ये फिर तीनों मेडिसिन में है एकोनाइट, जेल्सिमियम और इग्नेशिया। एकोनाइट नेपल्स, जेल्सिमियम और इग्नेशिया तीनों का स्पेसिफिक मेडिसिन है ये कि यूरिन करने के बाद पेशाब जाने के बाद उसके सरदर्द में थोड़ा आराम मिलना। फिर ये तीनों मेडिसिन के बाद आप इनमें से चूज कर सकते हैं सबसे आपके लिए बेस्ट कौन रहेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तीनों ऑल्टरनेट करके भी ले सकते हैं आप, तुरंत आपको आराम मिलेगा। अगर ये परफेक्टली ये सिम्टम्स आप में है तो स्पेसिफिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको ये पर्टिकुलर सिम्टम है तो कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, ये पर्टिकुलर रेमेडी ले लें आप, दवाइयाँ फटाफट आपको आराम मिल जाएगा जस्ट लाइक द एलोपैथिक मेडिसिन। अगला जो पॉइंट है यूरिन प्रोफ्यूज बट डज नॉट रिलीव। बहुत ज्यादा मतलब उसको पेशाब लगता है, बार बार लगता है, बहुत ज्यादा आता है लेकिन सरदर्द में उसको कोई आराम नहीं लगता। ठीक ऑपोजिट है जो पहले हमने बोला था कि अच्छा लगे यूरिन जाने के बाद, लेकिन ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सरदर्द में कोई आराम नहीं मिलता। लेग डेफ्लोर, लेग डेफ्लोर करके एक मेडिसिन आता है उसका भी आप यूज कर सकते हैं कि पेशाब जाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है नौसिया एंड वोमिट विथ हेडेक। सरदर्द के साथ उल्टी आना, उल्टी हो भी जाती है, बार बार उल्टी की सेंसेशन होना, उल्टी हो जाना, उसके साथ साथ अगर सरदर्द होता है तो ये भी चार सबसे बढ़िया मेडिसिन है, तीन बढ़िया मेडिसिन है। पहला होता है आयरिस वर्सिकलर, दूसरा होता है सैंग्यूनेरिया टेंडेंसिस, तीसरा होता है लैक डेफ। लैक डेफ करके जो मेडिसिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वो भी काम करता है, सैंग्यूनेरिया भी काम करता है, आयरिस भी काम करता है। सरदर्द के साथ वोमिटिंग, नौसिया फीलिंग होना, उल्टी फीलिंग होना बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगला होता है नर्वस हेडेक, जो मतलब न्यूरोलॉजिकली जो हेडेक होता है कोई कारण कोई सेंसेशन नहीं, थोड़ा स्ट्रेस में आ गया
फिर उनका न्यूरोलॉजिकली हेडेक शुरू हो गया, कोई किसी ने कोई बात बोल दिया तो मतलब तुरंत इरिटेशन हो जाता है और सर दर्द शुरू हो जाता है। तो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन है नक्सभूमिका, इग्निशिया, कोफिया एंड स्टाफिसाग्रिया। ये चार मेडिसिन जनरली न्यूरोलॉजिकली होते हैं, जो कि तुरंत एक्साइटमेंट होने के बाद, किसी से गुस्सा होने के बाद, किसी से झगड़ा करने के बाद अगर अचानक से सर दर्द शुरू हो गया, ये चार मेडिसिन स्पेसिफिक होते हैं, नक्सभूमिका, इग्निशिया, कोफिया एंड स्टाफिसाग्रिया, ये चार स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं। ठीक, उसका अगला पॉइंट है हेडेक विथ हंगर। भूख लगता है उसके साथ साथ सर दर्द होता है। आपने कई बार फील किया होगा कि अचानक आपको भूख भी लग रहा है और सर दर्द शुरू हो गया, जब आपका भूख में थोड़ा रिलीफ मिल गया कुछ खाने के बाद, हेडेक तुरंत अच्छा हो जाता है। तो ये सोराइनम और इग्निशिया में बहुत ही स्पेसिफिक होता है, दोनों बढ़िया काम करते हैं। अगला जो स्पेसिफिक पॉइंट हम लेते हैं, फील्स वेट ऑन हेड, मतलब ऐसा लगता है कि सर में कोई वजन किसी ने रख लिया हो, ऐसा लगता है कि बहुत ही भारी चीज सर में उठाकर चल रहे हैं, ऐसा सेंसेशन अगर पेशेंट आपको आपके सामने बयां करे कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वजन उठाकर रख लिया सर पे, तो उसका स्पेसिफिक मेडिसिन होता है तीन, लेकेसिस, ग्लोनोइन और कैक्टस। लेकेसिस, ग्लोनोइन, ये ग्लोनोइन बात मैंने पहले बता दिया, इतना भारी होता है कि झुक जाता है, उसके साथ साथ लेकेसिस भी आता है और कैक्टस भी दे सकते हैं आप, बहुत ही स्पेसिफिक काम करता है। अगला जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है थ्रोबिंग हेडेक, बहुत ही मतलब ड्रम बजने जैसा पूरा धप 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 करके जो सर दर्द होता है, पूरा ऐसे लगता है कि कोई कोई मार रहा है अंदर से। बेलाडोना और ग्लोनोइन में ये स्पेसिफिक होता है कि अंदर से पूरा सीवियर सर दर्द होता है। नेक्स्ट होता है एनीमिक हेडेक, जो मतलब एनीमिया कंडीशन, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, कम खून की कमी के कारण अगर किसी को सर दर्द होता है, दुबली पतली है पेशेंट है, खून की कमी, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको आप सबसे पहले दीजिए चाइना फेरामेटालिकम, ये दोनों स्पेसिफिक मेडिसिन है उसके लिए, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं चाइना एंड फेरामेटालिकम। अगला है हेयर सोर टू टच, सर दर्द होता है उसके साथ साथ अगर आप उसके बालों को छुए तो बोलेगा सर मेरे बालों को छूने से इतना दर्द होता है, बालों को छूने से भी सर में दर्द होता है, इतना मतलब सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक रहेगा एपिस और चाइना, वहां पर भी बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट आता है हेडेक विद वटाइगो, सर दर्द भी होता है सर घूमता भी है, दोनों साथ साथ होते हैं, दोनों अगर किसी सिम्टम में पर्टिकुलरली पाया जाता है तो उसका स्पेसिफिक होता है अर्जेंटम नाइट्रिकम एंड जलसीमियम। ये दो मेडिसिन में दोनों चीजें होती है, सर दर्द के साथ साथ सर घूमना दोनों चीज होती है। अगला जो पॉइंट होता है हेडेक ऑन वॉकिंग इन द मॉर्निंग, सुबह उठते वक्त जब वो चलने लगे जो तुरंत सर दर्द होने लगता है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट है नक्सभूमिका, लेकेसिस एंड नेट्रोम्योर, तीन स्पेसिफिक मेडिसिन है। सुबह उठकर जब वो चलने लगता है तो तुरंत उसके सर दर्द होने लगता है, कुछ देर ऐसे चलने के बाद थोड़ा थोड़ा करके उसको रिलीफ मिलता है। तो ये तीनों मेडिसिन में नक्सभूमिका, लेकेसिस एंड नेट्रोम्योर स्पेसिफिक मेडिसिन। अगला जो है हेडेक वॉश इन द सन, धूप में जाने के बाद उनका सर दर्द बढ़ जाना, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है ग्लोनोइन, नेट्रोमकार, लेकेसिस, नेट्रोम्योर, स्पाइजिलिया, एंटीमक्रोड एंड जेंसिमियम। फिर से रिपीट कर देता हूं, तो धूप में जाने के बाद अगर सर दर्द होता है ग्लोनोइन, नेट्रोम कार्ब, लेकेसिस, नेट्रोम्योर, स्पाइजिलिया, एंटीमक्रोड एंड जेलसीमियम। इन मेडिसिन में बिल्कुल होता है जो धूप में जाने के बाद सर दर्द, बाकी आपको परफेक्टली इनमें से एक मेडिसिन चूज करने के लिए दूसरे तीन चार इंपॉर्टेंट सिम्टम को देखना पड़ेगा। बहुत सारे मेडिसिन में से मैंने छांट कर ये मेडिसिन आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हजारों मेडिसिन, 500 मेडिसिन, 100 मेडिसिन ऐसे रिड्यूस करते करते ये स्पेसिफिक आए हैं, जो भी दो तीन चार हो गए, अगर उसमें से भी आपको एक सिलेक्ट करना है तो आपको और दो तीन सिम्टम्स का भी मैच करना होगा। अगला पॉइंट ले रहे हैं रिलीफ फ्रॉम प्रेशर एंड लाइंग डाउन, कहीं पर भी आप सर दर्द हो रहा है ऐसे प्रेस करके थोड़ा रह लेंगे तो उसका सर दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा, ऐसे प्रेस करके कहीं पर भी जहां पर भी सर दर्द हो रहा है वहां पर प्रेशर देने से उसको आराम मिलता है और उसको सोने से भी आराम मिलता है। ये स्पेसिफिक पॉइंट है ब्रायोनिया, ब्रायोनिया स्पेसिफिक पॉइंट है, कोई आपको बोले कि सर मुझे ऐसे प्रेस करके रहने से आराम मिलता है, ब्रायोनिया स्पेसिफिक मेडिसिन है। अगला जो पॉइंट है वॉश बाय कोल्ड बाथ, ठंडे पानी से नहा लेने से उसका सर दर्द और भी बढ़ जाता है। एंटीमक्रोड, रस्टॉक्स एंड सल्फर, ये तीनों स्पेसिफिक पॉइंट है, ठंडे पानी से नहाने के बाद उनका सर दर्द और भी बढ़ जाता है। अगला जो स्पेसिफिक पॉइंट हम लेने वाले हैं वो है रिलीफ फ्रॉम कोल्ड बाथ, ठीक उसका ऑपोजिट जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी,
उसमें अर्जेंटम नाइट्रिक एपिसिन पल्सेटिल आता है, ये तीन स्पेसिफिक मेडिसिन जो कि ठंडे पानी से नहाने के बाद उनके सर दर्द में आराम मिलता है। अगला जो स्पेसिफिक पॉइंट है राइट साइडेड, मैंने ये कितनी बार कॉमेंट्स में बोला है कि अगर आपको माइग्रेन के कंडीशन में राइट साइड अगर सर दर्द होता है तो उसके लिए सैंगुइनेरिया बहुत ही बढ़िया काम करता है और साइलिशिया भी बहुत बढ़िया काम करता है, ये दो स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं। अगर लेफ्ट साइड के लिए होता है तो स्पाइजिलिया बहुत ही स्पेसिफिक होता है, राइट साइड के लिए सैंगुइनेरिया और साइलिशिया, लेफ्ट साइड के लिए स्पाइजिलिया बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं हेडेक अगर इस एक साइड का हो, माइग्रेन का जो कंडीशन है। अगला जो है रिलीफ बाय कवरिंग हेड, सर दर्द हो रहा है कोई भी चीज से आप कवर कर लेते हैं सर को, तो बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन होता है बेलाडोना। कवर कर लेने से थोड़ा मतलब सर दर्द में आराम मिलना, ये बेलाडोना का स्पेसिफिक लक्षण है। तो ये तो था कुछ खास पॉइंट जो हमारे स्पेसिफिक हेडेक के लिए था। आप लोग बिल्कुल नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, बहुत ही आपको मदद करेगी आपके अगर क्लिनिकल केस टेकिंग के दौरान अगर सर से रिलेटेड कोई हेडेक के रिलेटेड अगर कोई केस आए तो आपको बस इन मोडालिटीज के बारे में पूछना है कहाँ पर स्पेसिफिक। बहुत सारे लोग बोलते हैं केस टेकिंग के दौरान बहुत सारे सवाल आपको पूछने होते हैं, कौन से स्पेसिफिक सवाल हम पूछें कि पर्टिकुलर रेमेडी का हम सिलेक्शन कर सकें। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने कहा है आप अपने जहन में जरूर रखिए, कोई भी सर दर्द का केस हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, आप उसको ये सवाल जरूर पूछिए। अगर उसने इनमें से कोई पर्टिकुलर सिम्टम के बारे में कहा तो तुरंत आप झट से उस मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकते हैं। स्नैपशॉट जो प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं उसका और एक टेक्निक है, ये स्पेसिफिक टेक्निक है तुरंत प्रिस्क्राइब करने का कोई भी मेडिसिन आपको, मतलब बहुत ही मतलब कंफ्यूज होके एक केस को लिंगरिंग करके आधे घंटे 15 मिनट 1 घंटे तक केस टेकिंग एनालिसिस करके उस बेचारे को परेशान करना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कीप शेयरिंग ऑल माई वीडियोस और एक बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार जरूर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट टू ऑल।